दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसी जॉब बता दूं जो आप दिन का 500 रुपये कमा सकते हो जस्ट अपना स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पॉकेट मनी को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ इनकम के सोर्स ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप लोग पार्ट टाइम में फ्रीलांसिंग करके या कोई छोटी मोटी जॉब करके, पार्ट टाइम जॉब करके अपनी कॉलेज की स्टडीज के साथ साथ अपने खर्चे कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आज मैं आपको एक बेहतरीन जॉब बताने वाला हूँ जो आप घर बैठे कर सकते हो। और अभी आपको पता है लॉकडाउन की वजह से आप सभी जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या स्कूल के स्टूडेंट्स हो वो घर पे खाली बैठे हुए हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों ना इस टाइम को आप यूटिलाइज करो और कहीं ना कहीं कुछ पार्ट टाइम जॉब करके कमाओ और अपना जेब खर्च भी निकालो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही फ्रीलांसिंग जॉब के बारे में बताऊंगा जो अपॉर्चुनिटी निकली है कुछ टाइम पहले, और जल्द से जल्दी अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हो तो आप लोग दिन का 500 से 1000 रुपये कमा सकते हो। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी खाली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो चाहे आप एक रिटायर्ड पर्सन हो। लेकिन स्टूडेंट्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पास आउट क्यों ना हो आप इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो और दिन का 500 से 1000 रुपये कमा सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में पूरा डिटेल में। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, तो अब सीधा हम मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सीधा अब मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ सारी के सारी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस जैसे कि आप सभी देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने डिश टीवी की साइट पे, और आप देख सकते हो यहाँ पर डिश टीवी की साइट मैंने खोल ली है और ये ऑफिशियल साइट है डिश टीवी की जहाँ पे जॉब की ऑफरिंग आई है। तो यहाँ पे जो साइट का है लोगो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, वैसे ये देख सकते हो careers.dishtv.in यहाँ पे साइट का नेम है। बाकी आप गूगल पर भी सर्च मारोगे डिश टीवी वर्क फ्रॉम होम जॉब या डिश टीवी जॉब तो आपको यहाँ पे साइट दिख जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करंट ओपनिंग्स में लिखा हुआ है फ्रीलांसर फॉर इनबाउंड कॉल्स वर्क फ्रॉम होम, यानी ये जो जॉब है ये फ्रीलांसिंग टाइप की जॉब है। आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो डिपेंड करेगी कितनी आप कॉल करते हो। जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी जॉब है वो है कॉल करने की, यानी आपको ये ट्रेनिंग भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको बताया नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको कैसे बात करनी है, कैसे कॉल रिसीव करनी है, क्या बोलना है। तो अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब सिलेक्शन किस बेस पे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब अब हम बात करते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो पूरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांगा जा रहा, दिल्ली NCR में है यहाँ पर जो ये लोकेशन है। लेकिन आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करोगे तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप स्टूडेंट्स हाउसवाइफ रिटायर VRS कोई भी कर सकता है। अब 16 डेज पहले यहाँ पे डाला हुआ था, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से अप्लाई कर पाओगे, एक तो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है इन्होंने और एक दिया हुआ है naukri.com के द्वारा जहाँ पे आपको रिज्यूमे ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपना रिज्यूमे ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ पे सिंपली फॉर्म के द्वारा कर सकते हो, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब का डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कौन कौन ले सकता है VRS फ्रेशर्स एक्सपीरियंस विद गुड हिंदी एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, तो कोई भी कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली सबके लिए ये ऑफर खुला हुआ है, ठीक है। हालांकि स्कूल के बच्चों का मुझे नहीं पता है कि वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कॉल आती है रिजेक्ट कर दिया वो अलग बात है, बट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। खाली बैठे हो अगर आप तो कर सकते हो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनबाउंड कॉल्स होगी, यानी फ्रीलांसर्स की यहाँ पर नीड है, ठीक है। कॉल्स आपको बताई जाएंगी, इनको कॉल करनी है, इनको ये चीज़ बोलनी है, जस्ट आपको पार्ट टाइम में जिस हिसाब से काम करोगे उस हिसाब से काम होगा। डिजायर्ड कैंडिडेट प्रोफाइल, आपके पास होना चाहिए एक लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और वो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप लोग अपना जो डेटा है वो रिकॉर्ड कर सको। इनकी जो ये भी आपको साइट देंगे कि कॉल्स जितने आपने करी हैं वो कितनी करी हैं, क्या है प्रोफाइल, उसके लिए आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना मस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका अपना या फिर आपकी फैमिली में किसी का भी हो सकता है। बाकी जो आपका काम रहेगा वो फ़ोन से रहेगा, लैपटॉप डेस्कटॉप यहाँ पे आगे की चीज़ों के लिए। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इसका मतलब है कि नेट का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, चाहे आपका फ़ोन का नेट हो, चाहे डोंगल हो, चाहे वाईफाई हो, आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। सैलरी जो है वो कॉल बेसिस पे मिलेगी, पर कॉल बेसिस पे आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन बिलो लिंक एंड फिल द फॉर्म, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो इस फॉर्म को, जो इनकी टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो आप ये वाली जो ईमेल आईडी दी हुई है
subhra.sahu.hr@dth-desk.com यहाँ पे आप पूछ सकते हो मेल पे। और इसी के लिए आपको जो की स्किल्स चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल्स, कस्टमर केयर, वॉइस प्रोसेस, कस्टमर सपोर्ट, यहाँ पे एक बेसिक आपको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको आप देख के बोलोगे यार ये तो मुझे स्किल ही नहीं आती, तो आप ट्राई कर सकते हो। आपको जो सेलेक्ट करेंगे वो बात की बात है, लेकिन अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कैसे यहाँ पे हो सकते हो। तो आपको यहाँ पे ट्राई ज़रूर करना है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्सपर्ट हो गए कम्युनिकेशन स्किल में। आपको अगर बात करना भी आता है ना हिंदी इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वो आपको जज कर लेंगे, उस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट देखेंगे, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है अभी मैं आपको बताता हूँ, कैसे कैसे चीज़ें होंगी यहाँ पे। मैं आपको बेसिकली ये सारी डिटेल बता रहा हूँ। एनी ग्रेजुएट इन एनी स्पेशलाइजेशन, कोई यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ा होना चाहिए, इतने मार्क्स होने चाहिए, तो सबसे बढ़िया चीज़ है। और घर बैठे कर सकते हो यार, कोरोना टाइम में आपको पता है कितने लोगों की यहाँ पे जॉब जा चुकी है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। तो यार इसी बात पे एक लाइक भी जरूर कर देना वीडियो को, और जिन लोगों को ज़रूरत है ना आपके रिश्तेदार में, आपके फ्रेंड्स में, उन तक ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। बिकॉज यार कोरोना टाइम में बहुत लोगों की जॉब जा चुकी है और हर परिवार को कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे मैं बता दूँ जल्दी से आपको फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना। तो सिंपली आप इस फॉर्म को होल्ड करोगे यहाँ पे ओपन, ऐसे मैं गूगल क्रोम में कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो ऐसे आप ओपन कर सकते हो कहीं को। जैसे आप फॉर्म ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी एट रेप्यूटेड DTH ब्रांड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्म खुल चुका है, ये गूगल का फॉर्म है, और यहाँ पे आपसे बोला गया है नेम, ईमेल, आपको सारी जानकारी यहाँ पे देनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। नेम सिंपली आप अपना नाम डाल दोगे, अपना ईमेल आईडी डाल दोगे, अपना प्रेजेंट स्टेट नेम कि आप कौन से स्टेट में रहते हो, इसके अलावा प्रेजेंट सिटी कौन सी है आपकी, स्टेट और सिटी अगर आपकी सेम है जैसे दिल्ली दिल्ली तो वो डाल सकते हो। इसके अलावा फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर डालना कंपलसरी नहीं है, एक फ़ोन नंबर डाल दोगे वो बहुत रहेगा आपके लिए, ठीक है। फ़ोन नंबर एक आप डाल सकते हो जो कंपलसरी है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर डालना कंपलसरी है, व्हाट्सएप नंबर आप डाल दीजिएगा। इसके अलावा जेंडर आपको लिखना कंपलसरी है, DOB, डेट ऑफ बर्थ एंड करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप अभी स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो, एम्प्लॉयड हो, अदर हो। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10+2 डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप 12th क्लास में हो, 11th क्लास में हो, तो अदर डाल के आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ से पूछा कि आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो नॉट हैविंग, तो क्या पता तब फिर भी आपको चांस दे दिया जाए। तो ट्राई करने में कुछ नहीं होता, ट्राई जरूर करना चाहिए। हैविंग ब्रॉडबैंड कनेक्शन मॉडम डोंगल, कुछ है आपके पास ऐसा तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सिंपली हैविंग स्मार्टफोन, स्मार्टफोन तो आजकल हर किसी के पास होता है। एंड्रॉयड वर्जन जो यहाँ पे बोला गया है, वो बोला गया 8.0 से अबव होना चाहिए आपका एंड्रॉयड वर्जन, तो तभी आप यहाँ पे यस नो पे क्लिक कर सकते हो। लैंग्वेज आप कौन कौन सी जानते हो, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, अदर्स, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हो। सोर्स ऑफ गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप यहाँ पे YouTube कर सकते हो, आपने मेरी वीडियो के द्वारा यहाँ से अपॉर्चुनिटी तो देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा इफ़ रेफर्ड बाय आवर सर्टिफाइड एडवाइज़र प्लीज़ मेंशन हिज हर एस्पेक्ट आईडी, तो ये आप खाली छोड़ सकते हो अगर आपको किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र ने रेफर नहीं किया। बिकॉज मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, एफिलिएट मार्केटर हूँ, तो यहाँ पे तो आपको सर्टिफाइड एडवाइज़र नहीं है, ठीक है। सर्टिफाइड एडवाइज़र कोई यहाँ पे रेफर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे तो आप खाली छोड़ दोगे, बिकॉज यहाँ पे आपको मेरी YouTube वीडियो देख के पता चला है। तो यहाँ पे जब इतना करके सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद वो आपको 24 घंटे 48 घंटे के बाद कॉन्टैक्ट करेंगे। नहीं करते हैं तो आप फिर वहाँ पर ईमेल जो दे रखा है वहाँ पे ट्राई कर सकते हो जाके, वैसे आपको कॉन्टैक्ट वो कर लेंगे बिकॉज इनको भी ज़रूरत है फ्रीलांसर्स की। तो आई होप आप सबको यहाँ पे वीडियो क्लियर समझ में आ गई होगी, और आप सबको यहाँ पे जानकारी अच्छा भी लगा होगा कि ऐसी भी जॉब्स निकलती हैं। और अगर आपको वीडियो ऐसी पसंद आ रही है, तो आगे मैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में वीडियो लेकर आता रहूँगा। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने रिश्तेदार के साथ शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड जो भी हैं आपके भाई बहन हैं या कज़न हैं जो इन जॉब की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं घर बैठे, कोरोना के टाइम पे खाली हो चुके हैं, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है और हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खास स्किल की ज़रूरत है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोरोना धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। तो आप सभी लोग घर से कम निकले, अगर जरूरी काम हो तभी घर से निकले, और डबल मास्क हो सकते तो डबल मास्क लगाएं, या फिर सिंगल मास्क भी लगाएं, तो यहाँ पे आप सैनिटाइज करते रहें, हाथ थोड़ी थोड़ी देर में धोते रहें, और अपना जो माइंड है उसमें पॉजिटिव सोच रखें, बिकॉज माइंड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल होता है। और आप सभी सेफ रहें अपने फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। खासकर अगर आप स्टूडेंट्स हो, 18 से 24 साल की आपकी एज है, तो मैं अपने कॉलेज की एक्सपीरियंस भी शेयर करता रहता हूँ, और बाकी हेल्पफुल चीज़ें जो स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकती है वो मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो के लिंक्स
दिए हुए हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट कर दीजिएगा जरूर से अगर आपको कोई डाउट आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।